हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट वन टू रेस टू पावर थर्टी सेवन पाई साइन पाई लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है क्या होगा स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स ये किसके इक्वल आता है माइनस कॉस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी ठीक है तो हम एक बार के लिए हमारे इंटीग्रल को आई बोल लेते हैं तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट वन टू रेस टू पावर थर्टी सेवन हो गया और यहां पे पाई साइन पाई लॉग एक्स होल अपॉन में एक्स डी एक्स है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सब्सिट्यूशन करेंगे लेट कर लेंगे पाई लॉग एक्स को किसके इक्वल टी के इक्वल ठीक है तो दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो पाई और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डी टी अपन में डीएक्स आएगा इसका मतलब क्या है अगर हम डीएक्स को इस तरफ लेके आए तो पाई अपॉन एक्स डीएक्स इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं डी टी अब जब हमने सब्सटीट्यूशन किया है तो लिमिट भी चेंज होगी ना तो जब यहाँ पे x का वैल्यू वन था तब t का वैल्यू देखो क्या आएगा x इज इक्वल टू वन है डिस इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू पाई लॉग एक्स यानी पाई लॉग वन लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है पूरे टर्म को ही जीरो बना देगा और जब एक्स का वैल्यू ई रेस्ट टू पावर थर्टी सेवन है तो डिस इम्प्लाइज टी का वैल्यू क्या आएगा पाई लॉग लॉग और यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर थर्टी सेवन तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ये जो थर्टी सेवन है जो पावर में लिखा हुई आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो थर्टी सेवन पाई और लॉग ई e का वैल्यू वन हो जाएगा यानी बन गया थर्टी सेवन पाई ठीक है यानी कि अब i का वैल्यू हम लिख सकते हैं देखो न्यू लिमिट कहां से कहां तक बन जाएगी न्यू लिमिट है जीरो से थर्टी सेवन पाई तो जीरो से लेके थर्टी सेवन पाई तक और यहां पे देखो पाई अपॉन नेक्स्ट डी की जगह हम डी लिख सकते हैं तो बेसिकली बन गया साइन टी डी यानी कि इसका इंटीग्रेशन देखो माइनस का कॉस टी और यहां पे लिमिट लगानी है जीरो से लेके 37 सेवन पाई तक तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस का कॉस 37 सेवन पाई और माइनस में कॉस जीरो हो जाएगा ये वैल्यू बन जाएगा ठीक है तो अब देखो कॉस थर्टी सेवन पाई इसका वैल्यू लिखेंगे तो माइनस में ये कितना बनेगा माइनस का वन आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस में कॉस जीरो वन होता है यानी वैल्यू बन गया माइनस ऑफ माइनस टू विच इज इक्वल टू टू तो आई का फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा टू और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक